एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ प्रियंका, होप यू ऑल डूइंग वेल। रिसेंटली मैंने अपने बालों के लिए एक स्पा क्रीम एंड एक स्पा कैप ऑर्डर किया है, तो उसका रिव्यू आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। हेयर स्पा क्रीम जो कि हाइड्रोलाइज्ड केराटिन प्रोटीन है, ये नेचुरल केराटिन प्रोटीन से बना हुआ है। आपके बालों की ड्राइनेस, रफनेस, डलनेस, स्प्लिट एंड्स को दूर करता है और आपके बालों में एक हेल्दी शाइन और बाउंस देता है। इवन आपकी हेयर फॉल में भी बहुत ही इफेक्टिव है। इसी कंसिस्टेंसी आप देख रहे हैं, व्हाइट कलर का क्रीम आपको मिल जाता है 450 ग्राम के अमाउंट में। और इसी के साथ आपको एक हेयर स्पा कैप भी मिल जाता है जो कि हीटिंग कैप है। यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ एक पिंक सैटिन पॉलिस्टर लेयर दिख रही है और अंदर की तरफ आपको ग्रे प्लास्टिक लेयर मिल जाती है और ये जिप से अटैच है। अंदर की तरफ वाली लेयर को आप वॉश कर सकते हैं जिप से ओपन करके। अगर उसमें कुछ क्रीम आपका लग जाता है तो आप इसे वॉश कर सकते हैं, लेकिन पिंक लेयर को आपको कभी भी पानी में इमर्स नहीं करना है। इसमें एक लूप कॉइल लगी हुई है जो कि हीट होती है, 65 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर जाता है, जो आपके बालों को एक बहुत अच्छा हीट ट्रीटमेंट देता है और रूट में आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, इसी तरह से आपकी हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है। हेयर स्पा मास्क को आपको हमेशा अपने वॉश्ड हेयर पर यूज़ करना है। शैम्पू कर लेने के बाद बालों को अच्छे से ड्राई कर लें और फिर उसके बाद इस मास्क को ट्राई करें आप। तो ये मास्क की स्मेल काफ़ी अच्छी है, कंसिस्टेंसी आप देख रहे हैं काफ़ी थिक है, क्रीमी है, तो आपके बालों पे बहुत अच्छी सी एक थिक लेयर देगा और मॉइस्चराइज करेगा आपके बालों को, तो काफ़ी थिक और शाइनी हो जाएंगे आपके बाल। एंड यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से आपको रूट को छोड़ते हुए पूरी लेंथ वाइज इसे अप्लाई करना है क्रीम को अच्छे से, और 2-3 बार इसे अच्छे से ऐसे मूव कर ले फिंगर्स की टिप से, तो ये बहुत अच्छे से आपके बालों पर एक लेयर बना लेगा। इसी तरह आपको सारे बालों पर इसे अप्लाई करना है और एंड्स पे बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हमारे स्प्लिट एंड्स जो होते हैं वहाँ पर ही सबसे ज़्यादा केराटिन की ज़रूरत होती है, तो बहुत अच्छे से इसे अप्लाई कर लें। सारे बालों पर एक थिक लेयर अप्लाई कर लेने के बाद आपको गर्म पानी में भिगा हुआ टॉवल लेना है, उसे अच्छे से निचो करके बालों को इस तरह से कवर कर लें। उसके बाद अपनी हेयर स्पा कैप को आप लगा सकते हैं। इसके साथ आपको 2 मीटर लंबा वायर मिल जाता है, साथ ही में एक बटन मिल जाता है जहाँ पर एक स्लाइडिंग 2 लेवल्स आपको मिल जाते हैं हीटिंग के, एंड इस प्लग को अब आप प्लग इन करके ऑन कर सकते हैं। मैं इसे हाई लेवल पर रखूँगी ताकि जल्दी से जल्दी मेरे बालों को अच्छा हीट ट्रीटमेंट मिले एंड मैं उन्हें वॉश कर सकूँ। यहाँ पर आपको एक इलास्टिक डोरी भी मिल जाती है जिसे आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने सिर के साइज के हिसाब से, और उसके बाद अंदर डाल के इसको जिप से क्लोज कर दें ताकि अच्छे से आपका टाइट हो जाए कैप एंड हीट जो है वो बाहर ना जाए, अंदर की तरफ पूरा उसका इफेक्ट मिले आपको। तो इस तरह से अप्लाई करने के बाद आप इसे 10 से 15 मिनट रख सकते हैं एंड उसके बाद अपने बालों को नॉर्मल वाटर से वॉश करके आप देखेंगे इसका इफेक्ट। आपके बाल काफ़ी स्मूथ, शाइनी, हेल्दी एंड सॉफ्ट फील करेंगे। और अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई और फ्रीजी है तो इसे वीक में एक बार ज़रूर अप्लाई करें, अदरवाइज 15 डेज में एक बार अप्लाई करने से भी ये काम करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर। एंड ऐसे रिव्यूज़ के लिए मेरे अकाउंट को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।